भारत में संकेतों और संदेशों का बहुत महत्व है और भारतीय राजनीति भी संकेत और संदेश इन्हीं से चलती रही है। आज हम एक ऐसे पक्षी को प्रतीक के रूप में राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सब जानते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ कहती है वो कौआ गया, कौआ, क्रो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। कौवे को लेकर बहुत सारी उपमाएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी सस्पेंस भी हैं। कौवा जब मुंडेर में बोलता है तो कोई मेहमान आने का संकेत होता है, कुछ अशुभ भी होता है तो कौओं का झुंड इकट्ठा आके काय काय करता है, इसका मतलब है किसी अनहोनी का संदेश है, ऐसा लोग मानते हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है कि उसके माध्यम से हमारे पूर्वजों को भोजन मिले, पिंडदान मिले, ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर शिकारी किसी कौवे का शिकार करके अगर उसे एक ऊंचे बांस में टांग देता है तो उसका भी अपना एक संकेत और संदेश जाता है। मंथन में आज हम राजनीति को ले रहा हूं और कुल मिलाकर राजनीति में काय काय करने वाले उन जो नेता हैं जो काय काय करके पार्टियों को मुश्किलों में डालते हैं, ऐसे नेताओं से पार्टियां कैसे छुटकारा पाएंगी। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का जो संकल्प ले चुकी है, 2024 में 43% वोट पाकर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 73 सीटें जीती थी, 71 बीजेपी और 2 सीटें अपना दल ने। 50 के करीब वोट परसेंटेज 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन उसकी सीटें घट गईं, भाजपा को 62 और अपना दल की दो सीटें रहीं, यानी 64। 10 बहुजन समाज पार्टी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जिन राज्यों में उसने क्लीन स्वीप किया था, जैसे कर्नाटक, जैसे बिहार, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उन राज्यों में उसे मुश्किल होने वाली है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकार हैं वो मंथन और चिंतन कर रहे हैं, और इस मंथन चिंतन में संघ, आरएसएस, बीजेपी के लोगों को एक रिपोर्ट संघ के जरिए मिली है, जो नीचे की इकाई काम करती है आरएसएस में। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, हालांकि कल को ये हमसे न मांग दे कि भाई दुर्गेंद्र चौहान वो रिपोर्ट लाओ, तो मैं नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से चर्चाओं के आधार पर होती हैं, और ऐसी चर्चा है कि एक रिपोर्ट आरएसएस के जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले लोगों ने दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में काय काय करने वाले नेता हैं इनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। और प्रतीक स्वरूप एक दो को अगर आप टांग देंगे तो पार्टी लाइन पर आ जाएगी। और आज मंथन में हम बात करेंगे कि क्या जो नेता जो हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्र टेनी, ऐसे सुब्रत पाठक, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी के लिए उसके नीति रीतियों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, और ताजी मुश्किलें बीजेपी के लिए ब्रजभूषण शरण ने खड़ी की, और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद बीजेपी को फेस सेविंग करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले लगातार इस पर किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, लगातार पहलवान धरने पर रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस मुकदमा लिखने को तैयार नहीं थी, उसने चार्जशीट में साफ साफ कह दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है, यौन उत्पीड़न के पर्याप्त आधार, पर्याप्त सबूत मिले हैं। और मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब विनेश फोगाट की चचेरी बहनें गीता और बबीता फोगाट, गीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी में के लिए काम करती हैं, दोनों लोग, जो बबीता फोगाट और गीता फोगाट विरोध कर रही थी इस पूरे आंदोलन का,
वो इस पूरे जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है उसमें उन 16 गवाहों में से प्रमुख हैं। ये कैसे पासा पलटा? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश में किसी काएं काएं करने वाले नेता को टांगने की जरूरत पड़ गई? यही नहीं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद कल जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल में ब्रजभूषण शरण सिंह भागते हुए दौड़ते हुए दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर भी पत्रकारों ने उन्हें चेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कुलाचे मार कर निकल गए। हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहां पर महिला पत्रकार, टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार ने जब उन्हें घेरा तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरीके से उस महिला पत्रकार से बदतमीजी की, बदसलूकी की, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है और बदतमीजी की हद यहाँ तक रही कि उन्होंने उस सम्मानित न्यूज़ चैनल की आईडी तोड़ दी। और शायद वो महिला, जब महिला पत्रकार बाइट लेने के लिए आईडी उनकी गाड़ी में लगा रही थी, उस वक्त जरा सा अगर और चूक होती तो उस महिला पत्रकार का हाथ भी कट सकता था। बदसलूकी, बदतमीजी, बेहई जो उन्होंने की उसको लेकर साफ तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रजभूषण शरण का महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है, या फिर वो जान चुके हैं क्या, या वो जान चुके हैं कि अब बीजेपी को जिसकी तलाश थी वो बलि का बकरा या वो टांगने वाला पक्षी ब्रजभूषण शरण सिंह बनने जा रहे हैं। शायद इस बात की हताशा थी। वो तस्वीरें दिखाई जाएं हमारे साथियों के पास, वो तस्वीरें हैं जो कल दिल्ली के एयरपोर्ट पर घटना हुई और आज पूरी तरीके से वो घटना, और उस पर अभी तक बहुत सारे लोग इस वक्त इस चैनल को, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, और बहुत सारे पत्रकार संगठन, तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उस महिला पत्रकार के समर्थन में इस देश की बहुत नामचीन महिला पत्रकार हैं, खूब दहाड़ती हैं चैनलों में, लेकिन एक भी उसके समर्थन में नहीं आई। बहुत दुख की बात है। मैं तीन तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनका पुराना बयान है जिसमें वो पहलवानों के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, और राय आप सुनिएगा किस तरीके से राय है। वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मंथरा हो गई हैं। मंथरा आप जानते हैं कि कम से कम नायिका तो नहीं हो सकती मंथरा। इसी तरीके से वो घटना भी जो हुई वो आप देखेंगे, और फिर हम आपको कुछ और दृश्य भी दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन कर गया है। हजारों पहलवान थे, इस बार तीन सुना आपने किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके का बयान, किस तरीके की चीज़ें आपने सुनी। और एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह इस पूरे आंदोलन की हवा ही निकाल रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, आपने सुना भी होगा कि वो कह रहे थे कि भाई मंथरा हो गई मेरे लिए। जो महिला पहलवान डेढ़ महीने तक धरने बैठे थे, उस सारे आंदोलन की हवा ही ब्रजभूषण शरण सिंह निकालते नजर आए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी हालत खराब है। आज कोई उनका बहादुरी भरा बयान आया नहीं, और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में वो बातें कही हैं किस तरीके से विदेश में, कजाकिस्तान में उन्होंने महिला पहलवानों को गलत तरीके से छुआ, बहुत सारे चित्र खिंचाने के बहाने, बहुत सारे एक 10-15 बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, और दिल्ली पुलिस ने उन चित्रों को भी अपनी चार्जशीट में चिपकाया है जो जिन घटनाओं का जिक्र विनेश फोगाट,
साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और अन्य जो 6 महिला पहलवान हैं जिन्होंने शोषण की शिकायत की थी, उन्होंने जिन घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र किया है उन से घटनाओं के साक्ष्य के रूप में दिल्ली पुलिस ने वो तस्वीरें भी अपनी चार्जशीट में शामिल की हैं और चिपकाई हैं। इससे बहुत पुख्ता मामला ये बनता नजर आ रहा है और ब्रजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं ये भी खबर है कि अगर मंत्रिमंडल में जो भी फेरबदल आगे होने वाला है उसमें अजय मिश्र टेनी की भी छुट्टी होगी, क्योंकि टेनी भी बचे बचे फिर रहे हैं। टेनी के खिलाफ भी लखीमपुर के ही राजू गुप्ता हत्याकांड का मामला चल रहा है और उस मामले में अभी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हालांकि उनको राहत दे दी है और जो जिला अदालत का फैसला था उसी को रिटो कर दिया है। लेकिन इस फैसले के विरुद्ध राजू गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भरोसा है। और हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि जो राज्यों के हाईकोर्ट या अदालतें हैं उन पर अब एक ही तरीके के फैसले उनसे आ रहे हैं और कम से कम ताकतवर लोगों के मामले में या तो ताकतवर वाला पक्ष है या विपक्ष है तो वो उसी तरीके के फैसले आ रहे हैं। मेरा कतई आशय नहीं है कि कोई ये किसी के पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट और नीचे के वहाँ सेशन कोर्ट को लेकर राहुल गांधी के मामले में तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार और तमाम जो कानून के जानकार लोग इस पर संशय व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में भी राजू गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने खुलकर कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ और वो कह रहे हैं कि भाई किस तरह क्या करें हम। तो इस तरीके के मामले हैं, मुझे लगता है कि इन सबकी एक तरीके से छुट्टी होने वाली है। सुब्रत पाठक को लेकर भी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो बहुत गंभीर है, उन्होंने पुलिस वालों को पीटा था और इस तरह कई घटनाएं हुई। तो कम से कम 2 बड़े मामलों में संदेश देने की कोशिश मुझे ऐसा लगता हो रही है, लेकिन ब्रजभूषण की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मेहमानों का परिचय करा दूं, दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, बहुत स्वागत मनोज भाई, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महेंद्र दयाल साहब हैं, हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं और कानून के जानकार हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और लखीमपुर खीरी कांड, तिकुनिया कांड आपने हाल में देखा होगा सब लोगों ने कि किस तरीके से किसानों पर अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी थी, अब उनका बेटा भी बाहर है और अजय मिश्र टेनी तो आज तक राजू गुप्ता की हत्या के मामले में जेल गए ही नहीं, 20 साल पुराना मामला है। राजू गुप्ता हत्याकांड के पीड़ित पक्ष और राजू गुप्ता के प्रभात गुप्ता और राजू के छोटे भाई राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आप लगातार न्याय की अलख जगाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस देश की सर्वोच्च अदालत जरूर आपको न्याय देगी और कम से कम इतना तो जरूर वो अदालत बताएगी कि हत्या आपके भाई की किसने की, क्योंकि वो आत्महत्या तो नहीं थी, वो स्वाभाविक मौत तो नहीं थी। कम से कम मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी हमेशा की तरह आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रजभूषण का मसला सुनते ही नहीं कोई राजी हुआ आने को। और इधर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि वो कहते हैं कि भाई ये मसला इस पर बोलने की इजाज़त नहीं है, हालांकि बीच बीच में समाजवादी पार्टी के लोग भी इस तरह करते हैं लेकिन कम करते हैं, भाजपा की तुलना में थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, पत्रकारों को तो भाई बोलना ही है, अब आप नेता हैं मत बोलिए, आपको जो मुद्दा सूट करे वो बोलेंगे, नहीं सूट करे नहीं बोलेंगे। मैं मंथन की शुरुआत नवेद भाई से करूँगा। नवेद भाई, हम लोग गाँवों में सुनते थे कौवे को लेकर, हमने एक जो कौवा पक्षी है उसको लेकर हमने एक संकेत और संदेश, जो संकेत चलते हैं राजनीति में उसको हमने बताने की कोशिश की है। शिकारी या जो लोग बहुत इस तरीके के होते हैं वो एक इस तरीके से प्रतीक के स्वरूप एक पक्षी को मार कर टांग देते हैं ताकि बिल्कुल जो काएं 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 मारने का मतलब
आप समझ रहे हैं, राजनीति में कोई किसी की हत्या नहीं कर देगा, लेकिन एक संदेश उसी की उसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना गांवों के कौवे को मार के टांग दो, अच्छी बात नहीं किसी की पक्षी की हत्या करना, क्रुएल्टी करना, लेकिन ये कहावत है, एक लोकोक्ति है जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर, और ये देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह, मुझे लगता है वो तलाश बीजेपी की पूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आई और उसमें बिल्कुल जो बात पहलवान कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रट्टू तोते की तरह, हम कौवे की बात कर रहे हैं, हमें तोते की बात भी करनी पड़ रही, ये रट्टू तोते की तरह दिल्ली पुलिस पढ़ रही है, अरे भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और वही दिल्ली पुलिस अभी 4 माह पहले वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था FIR दर्ज हुई, अचानक ये कायांतरण, ये काया पलट, इसे कैसे देखते हैं नवीद भाई? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आया है और इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा साफ नजर आ रही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जो प्रकरण ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच में विवाद रहा, आरोप प्रत्यारोप रहे, उससे ये साबित हो गया कि सरकार ने ब्रजभूषण को बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश के भी कई अहम फैसले दिल्ली की सरकार करती है, केंद्रीय नेतृत्व करता है, क्योंकि ये संगीन मामला था, इसलिए सरकार के साथ सामने एक ये मामला एक गले की फांस बन गया था। एक तरफ तो ये कि ब्रजभूषण अपने आप में एक बहुत दबंग नेता है, उनका जनाधार जी, नवीद भाई का नेटवर्क चला गया है, मैं एक बार फिर से उनके पास आऊंगा। मैं ये सवाल ट्रांस करता हूं मनोज यादव की तरफ। मनोज यादव, आप लोग भी कह रहे थे कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण के खिलाफ अब मैंने नहीं देखा कि उस तरीके का, जो पहलवान जो आंदोलन कर रहे थे वो अपनी जगह था, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक दो बार ट्वीट किया, लेकिन इन पहलवानों के साथ जब किसान आए, जब राकेश टिकैत आए, तब एक तरीके से माहौल बना, लेकिन तब भी ऐसा एक वक्त लग रहा था कि आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अचानक 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आती है और उसमें वो लोग भी गवाह होते हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, और उसके बाद भी, नवीद भाई सुन पा रहे हैं क्या? जी जी हाँ, सुन रहा हूँ। नहीं नवीद भाई कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा मनोज यादव के पास, कंप्लीट करिए नवीद भाई। मैं यही बात कह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि एक तरफ तो उनका अपना वर्चस्व है, उनका अपना जनाधार है, उनकी अपनी एक खुद की एक दबंगई हैसियत है पॉलिटिकल, भारतीय जनता पार्टी में उनकी अपनी एक अलग से हैसियत है, बताया जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व का भी एक बड़ा विश्वास उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो कार्रवाई तेज होने के जो संकेत मिलने लगे हैं, उससे लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में ये पता चला है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना होने से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खास तौर से बड़ा प्रभाव जाएगा और भाजपा को नुकसान हो सकता है। जाट वोट बैंक जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है, एक बड़े वर्ग को नुकसान हो सकता है, एक महिला वर्ग जो है वो भाजपा से जो जुड़ा हुआ उसका विश्वास है वो टूट सकता है। उस रिपोर्ट से को देखते हुए एक तरफ वो रिपोर्ट और दूसरी तरफ ब्रजभूषण का जनाधार और उससे होने वाला नुकसान, उसको तौलने के बाद ये साफ नजर आने लगा कि ब्रजभूषण की वजह से, उसके खिलाफ कार्रवाई होने की वजह से भले ही कुछ एक क्षेत्रों में उनको नुकसान पहुंचे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक नहीं जाएगा, देश में जाएगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान का सवाल है, खिलाड़ियों के सम्मान का सवाल है, महिला अस्मिता का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परिवेश से जुड़ी हुई उस महिलाओं का सवाल है जिन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई और जो एक बड़े लेवल पर सुर्खियां बना मामला और अंतरराष्ट्रीय जगत में उसकी चर्चा हुई। तो अंतोगत्वा मुझे लगता है कि भाजपा ने यही फैसला किया है कि कहीं ना कहीं इनको किनारे करना पड़ेगा, इनको हाशिए पे डालना पड़ेगा, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में
विपक्षियों का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इससे जनता प्रभावित हो सकती है, भाजपा वोटर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए अब ब्रजभूषण को उनकी सजा दिलाने के लिए रास्ते तय कर दिए गए। ठीक बात। मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। नवेद भाई ने कहा कि भाई अब इससे साफ हो गया कि ब्रजभूषण के साथ ताकत खड़ी थी, जब तक ताकत खड़ी थी तब तक वो लगातार उल जुलूल बयानबाजी कर रहे थे, लगा इधर उधर घूम घूम कर। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि एक चैनल की महिला पत्रकार के साथ कल बदसलूकी की, वो खूब वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार चल रहे और हद कर दी बदसलूकी की। तो इससे पता है कि वो कम से कम आदतन इस तरह के आदमी हैं कि वो हरकतें इस तरह की करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जब मामला किसानों के, जो किसान नेता हैं उनके साथ आंदोलन में कूदने के बाद, तब ये एक तरीके से मामला थोड़ा मजबूत और हुआ, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग ट्वीट करते रहे, प्रियंका गांधी गए और लोग गए, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग थे वो इन महिला पहलवानों के साथ उतनी मजबूती के साथ खड़े नज़र नहीं आए। लेकिन जब किसान नेताओं ने वहाँ की आप खाप पंचायतें पहुँचने लगी, तब लगा भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में नुकसान होने जा रहा है। वो बातें चार सीट में आ गई जो हूबहू महिला पहलवान बहुत दिनों से क्लेम कर रही थी। इसको किस रूप में देखते हैं मनोज यादव और आपकी पार्टी और आप? देखिए ये बात स्पष्ट कर दूं मैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह को इस केस में ताकतवर या कमजोर या जो कुछ भी बताया जा रहा है, मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता। मैं इत्तफाक रखता हूं इस बात से कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह का वो बयान मैं कोट करूंगा जब उन्होंने कहा था कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी चाहेंगे उस दिन मैं स्वतः अपने आप को दिल्ली कर दूंगा और अपना समर्पण कर दूंगा। लेकिन उसके बाद आपने लगातार आपने देखा होगा और ये महसूस किया होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरे देश की, दिल्ली की, कहीं की पुलिस ने उनको टस्तक नहीं किया। हाँ, वो अभद्रता करते हुए पाए गए, चाहे वो गोंडा में इंडिया टीवी के पत्रकारों से रही हो, चाहे यहाँ पे दिल्ली में जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की, ये मेरे ख्याल से वो आदतन इस तरह के ही नेचर के व्यक्ति हैं। लेकिन कोई भी हो चौहान जी, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपके समर्थक हैं और आपके इतने बड़े मुद्दे पे आपको एक पास्को एक्ट से बचा लेते हैं, उस नाबालिग महिला के द्वारा लगाए गए आरोप से कैसे उनको निजात दिला देते हैं, ये छोटी बात नहीं है। वो सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर धारा थी जिससे उनको भाजपा ने बचाया, कैसे तोड़ के बचाया कैसे नहीं बचाया ये तो अब जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि किन धाराओं में जहां पे बैठ के आपस में बात की जा सकती है, किन धाराओं में आपस में कुछ कम सजा हो सकती है, सरकार और उन पीड़ितों के पक्ष प्रति कौन सी बात की जा सकती है, कहाँ कितना हल्कापन होगा, कहाँ कितना वजन होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो मौजूदा सरकार की धमक, हनक और सरकार की एक जो जिद्दी रवैया है उसके दम पे ये किया है। नहीं, एक सांसद की कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, वो कानून से नहीं लड़ सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस तरह के बड़े नेताओं का उनको सपोर्ट नहीं हो, ऐसा मैं महसूस करता हूं। ठीक बात है। मैं अनिल शर्मा के पास आऊंगा। अनिल शर्मा जी, आपके नेता प्रियंका गांधी ने फिर एक बार ट्वीट किया है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मनोज यादव एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए। वो कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मसले में तब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी जब तक सारे मामले का असेसमेंट नहीं हो गया। मनोज यादव कह रहे हैं कि टिल नाउ अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके साथ खड़ा है, ऐसा मत भ्रम में रहिए कि एक तरीके से उनको छोड़ दिया गया और मुकदमा चार्जशीट लग गई और ये हो गया वो हो गया। अभी भी क्योंकि पास्को एक्ट की बात कर रहे हैं, पास्को एक्ट अगर हट गया है तो बहुत बड़ी विपत्ति से वो बच गए हैं। फिर ये तोल मोल के चार्जशीट लगाई गई है कि वो उनको कैसे बचाया जा सकता है, कितना उनको लाभ दिया जा सकता है, और खाली प्रियंका जी ट्वीट कर देती है इससे काम तो नहीं चलने वाला। एक बार कांग्रेस पार्टी जरा राष्ट्रपति से ही मिल ले या विपक्षी दल ही मिल लें इनके मुद्दे पर। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने का सबसे पहले काम करती चली आई है। भाजपा महिला विरोधी रवैया इस बात से पहले भी रहा है। 21 बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ आरोप दर्ज हुए हैं।
और भाजपा ने हमेशा उनको बचाने का काम किया। ब्रजभूष और सरन सिंह को बराबर निरंतर कवर करती हुई बीजेपी चली आ रही। पहले डिबेट जितनी भी होती थी उन डिबेटों में बीजेपी के प्रवक्ता आते थे और आने के बाद इस तरह आक्रामक होते थे जैसे कि वो दूध के धुले हों, गंगा जल में नहा के पवित्र हो गए हों और बाकी सारे लोग पापी। भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए और आरएसएस ढाल का काम करती चली आई, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है और जब उनको लग रहा है कि पूरा पासा उनके खिलाफ पलटता चला जा रहा है, पासको एक्ट में बचाने का काम बीजेपी ने किया और इस जो चार्जशीट अब लगी है यही दिल्ली की पुलिस उनको छू भी नहीं रही थी, महिला पर अत्याचार कर रही थी, जो धरने पर बेटियां बैठी थी, जो इस देश का गौरव थी बेटियां, उनके ऊपर अत्याचार करने का काम, जो उन पर लाठियां भाग रही थी, उनको रात में प्रताड़ित कर रही थी, आज वही पुलिस चार्जशीट अगर दाखिल करती है तो बहुत छोटी छोटी धाराओं में पास्को एक्ट को क्यों हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी इनको बचाने का काम कर रही है और अद्वैतवत्ता ये इनको, और जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह ने सत्ता की हक के साथ और जो बाहुबली तरीके से महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की वो बेहद शर्मनाक है। कानून की व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ सम्मान पूर्वक जो उन्हें पेश आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए। इससे पहले एक मंत्री और जब महिला धरने पर बैठी थी तो वो महिला से मंत्री से जब पूछा गया कि महिला सशक्तिकरण की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो वो महिला नेत्री वहां से दौड़ती हुई अपनी गाड़ी में बैठी और उनके अपने बचाव करने की कोशिश की और वहां से भाग खड़ी हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है और ये सरकार केवल महिला उत्पीड़न कर रही है। मैं आपको बता दूं इससे पहले गुजरात मॉडल की जब बात करते हैं, गुजरात मॉडल में पिछले पांच साल में 2017 में 7,105 महिलाएं गायब हुई, 17 में 7,712, 2018 में 2,246, 2019 में 9,268 और 2020 में 8,290, 41,621 महिलाएं गायब हुई। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं और अपराधी बेखौफ घूमते हैं और अपराधियों को ये सरकार संरक्षण देती है। इसका जैसा उदाहरण भूषण सिंह जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, स्वामी जैसे लोग, तमाम ऐसे उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से ऐसे अपराधियों का साथ देती है जिनको समाज में बेदखल किया जाता है, जिनको समाज से निराधार किया जाना चाहिए, समाज से उनको दूर करना चाहिए, उनको सम्मान देने का काम बीजेपी करती है और जहां बेटियों के सम्मान की बात आती है। अनिल शर्मा, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और जब ब्रेक से लौटूंगा तो वास्तव में इसके पीछे राजनीति है। बीजेपी को ये सब क्या एक तरीके से फेस सेविंग के लिए ऐसा करना पड़ेगा? बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में भी, चूंकि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन ही है और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दी है, तो क्या इसके पीछे जैसा कि पत्रकार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण हैं, तो क्या एक दृष्टांत हो सकता है कि आगे टेनी पर कार्रवाई हो जाए, कोई उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, कुछ इस तरीके की और भी चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखेंगे जिनके संकेत बहुत दूर तक जाएंगे और कम से कम उत्तर प्रदेश में उस संकेत बड़े प्रभावी होंगे। ब्रेक से लौट आए और सीधे राजीव गुप्ता के पास चलेंगे। लखीमपुर खीरी के राजीव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके बड़े भाई प्रभात गुप्ता और राजीव राजू गुप्ता की हत्या कर दी गई थी तकरीबन 20 वर्ष पूर्व और वो मामला लगातार, उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मुख्य आरोपी हैं और वो मामला आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ये लगा रहे हैं, इनको न्याय आज तक नहीं मिला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। आज तक राजीव गुप्ता ये पता नहीं कर पाए कि उनके भाई की हत्या किसने की है। भाई उनका भाई तो मरा है, गोली लगी है, पोस्टमार्टम हुआ है। मान लीजिए अगर सबूत नहीं है कि भाई टेनी ने नहीं हत्या की और अन्य लोगों ने नहीं की, तो किसने की, कम से कम ये बताने की व्यवस्था
तो कम से कम ये तो बताया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ये इसी इस सवाल का जवाब इनको आज तक मिला नहीं। शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी ये कर रहे हैं, न्याय की बात है। जहां एक तरफ बेटियां, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यहां की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण इसीलिए है कि यहां जो लोग हैं, दो ऐसे प्रकरण हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों की चार्जशीट लगा दी है दिल्ली पुलिस ने। और ब्रजभूषण शरण अभी दिल्ली में है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हो सकता उसमें कोई अड़चन आ रही हो। इसी तरीके से टेनी के मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई, मैं नहीं कह सकता कि इसे कोई कार्रवाई कहते, कोई फैसला नहीं आया है। अब ऐसा लगता है इस तरीके की खबरें हैं कि अपनी फेस सेविंग के लिए टेनी और ब्रजभूषण शरण सिंह को एक कार्रवाई का एक प्रतीक बनाकर उत्तर प्रदेश में पेश किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव गुप्ता, आप लगातार न्याय मांग रहे हैं, आपकी मना है स्थिति मैं समझ सकता हूँ, लगातार आपसे हमारी ऑन स्क्रीन बात होती रहती है, बीच बीच में आप अपनी बात रखते रहते हैं, क्योंकि प्रकरण आज भी पीड़ित और जो राजनीतिक परसेप्शन का है उसको लेकर भी है, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, एक शक्तिवान एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के खिलाफ लड़ना कितना कठिन है, कितना आसान है, ये जरा हम जानना चाहते हैं आप अपने दर्शकों से। हेलो, धन्यवाद आदरणीय संपादक जी। संपादक जी, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए बुलाया, बहुत बहुत आभारी के निवेश का। देखिए संपादक जी, अब अगर हम राजनीति की तरीके से बात करें तो मैं कहूँगा टेनी और ब्रजभूषण शरण सिंह वॉशिंग मशीन में धोले जा रहे हैं। एक बात कि उनके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये तो राजनीति की बात हो गई। कि दूसरा करे तो बुलडोजर चलेगा, सत्ता पक्ष का आदमी होगा तो वॉशिंग मशीन में गंगा जल से धुला है। बात है बेटियों के साथ अन्याय होना, ये जमाना था जब पूर्व में सरकारें बनती थीं तो देश में पार्लियामेंट का जो चुनाव होता था तो सांसद लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन समय बदल गया है। इसलिए जो है अब प्रधानमंत्री जी सांसद चुन रहे हैं, लखीमपुर में नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए लखीमपुर लोकसभा सीट पे, और तीसरे नंबर पे बीजेपी रही, टेनी ने अपने वकील की पत्नी को चुनाव लड़ाया था। संपादक जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। हाँ, तीसरे नंबर पे टेनी की यह हैसियत थी, सिंघाई हारे, धौरारा हारे, लखीमपुर में अपने वकील को चुनाव लड़ाया, तीसरे नंबर पे चले गए। तो प्रधानमंत्री जी जिसे चाहें उसे दुल्हा बना दें, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, न्याय होने दीजिए। टेनी जो बरी हुए हैं प्रभात मर्डर केस में, भाई की हत्या में, तो उस आर्डर देखने के बाद ये सब स्पष्ट हो जाता है कि न्याय नहीं हुआ। जिसने भी इस मुकदमे की फाइल देखी, ये हाईकोर्ट का जो आदेश था, बोले न्याय नहीं। संपादक जी, टेनी के वकील शैलेश श्रीवास्तव ने कहा था कि दो अज्ञात लोग मार गए, ये जज साहब ने कहा, ऐसा कहीं आर्डर में नहीं लिखा है। तीन तस्दीक गवाह हैं, तीन, उसमें विनोद गुप्ता, संजीव और जगदीश, तीनों लोग कहते हैं, चारों लोग थे टेनी, शशिभूषण, राकेश डालू, सुभाष, चारों लोग वहां पर थे। जब तीनों के विटनेस वहां पर हैं तो मारा किसने? विनोद गुप्ता कहते हैं कि मारा उन्होंने, सुभाष ने दोनों गोली मारी, लेकिन टेनी वहां थे। अगर सुभाष ने मारी तो 302 में सजा होनी चाहिए थी, और टेनी मदद कर रहे थे तो दफा 34 में टेनी को उम्र कैद होनी चाहिए थी। संजीव और जगदीश कहते हैं टेनी ने मारा, दूसरी गोली सुभाष ने मारी, चारों लोग थे, चौथा कोई गवाह नहीं है इस मुकदमे में, लेकिन हमारा पक्ष ही नहीं लिखा गया। हमें
संपादक जी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप, बेखटके बोलिए। हाँ संपादक जी, हमारा पक्ष ही नहीं लिखा गया, 7 दिन भैंस हुई, 3 बार फैसला सुरक्षित हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले को डिसाइड करिए, 10 नवंबर फाइनल तारीख है, लेकिन 10 नवंबर को हमारा रिटर्न आर्गूमेंट कोर्ट ने नहीं लिया तो हमने रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया, तो आदरणीय लखनऊ हाई कोर्ट ने फैसला ना देखकर रिलीज कर दिया और ये कहा कि राजीव गुप्ता कानूनी वारिस बने। कोई हम प्रॉपर्टी के में हिस्सा मांगने गए थे जो कानूनी वारिस मांगा जा रहा है? कानून सीआरपीसी में कहीं भी कानूनी वारिस का प्रावधान नहीं है क्रिमिनल के मुकदमा लड़ने का, लेकिन जुडिशरी ने कहा कि राजीव गुप्ता कानूनी वारिस बने और अपनी बात लिखित कहे, यहाँ से नई डेट लगेगी 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह अपनी नई कानूनी वारिस की एप्लीकेशन दें। संपादक जी बहुत अफसोस है कि हमने माननीय रमेश सिन्हा जी जो चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ के हो गए, उनके आदेश के पालन में 4 एप्लीकेशन दी। ये कहा कि रमेश सिन्हा जी ने 21 दिसंबर 2022 को आदेश दिया, उस आदेश के क्रम में हम ये एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं। कहा उसका फैसला नहीं किया, उन्होंने लखनऊ की नई बेंच ने जिन्होंने मुकदमे को बरी किया है, आदरणीय अट्टू रहमान मसूदी साहब, ओम प्रकाश शुक्ला जी ने, उन्होंने रमेश सिन्हा जी के आदेश का पालन नहीं किया और हमें कानूनी वारिस नहीं माना और ये कहा आप स्टेट अपील में आइए। और साहब हमने जो रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट किया जो जुडिशरी में दिया माननीय रमेश सिन्हा जी के आदेश पर, उसे टेकन रिकॉर्ड कोर्ट ने नहीं किया, फाइल में नहीं है। मुकदमे की फैसला सुरक्षित हुआ था और 24 तारीख को हमने नकल डाल दी थी जो हमने जज साहब को पुलिस कोर्ट में दी, वो फाइल उसमें नहीं है, केस डायरी उसमें नहीं है, पेपर उसमें से चोरी हो रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट मुकदमा ना लड़ पाए। तब पावर और पैसा, आज तक मुझे, आज 2 महीना हो गए बरी हुए, उन लोगों को हो रहे हैं, अभी तक हम लोगों को पूरी नकलें नहीं मिली हैं। जब मैं और सरकार स्टेट अपील जो खारिज डिसमिस की, हमसे बोले स्टेट अपील में आई है और स्टेट अपील अपने डिसमिस कर दी। पिताजी मुकदमा लिखाने वाले, वे रिविजन करता थे, उनकी डेथ हो गई, हमें कानूनी वारिस माना नहीं। जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एलआर से मिला कि साहब ये स्टेट अपील खारिज हुई है, तो उन्होंने प्रमोद श्रीवास्तव जी ने, जो प्रमुख सचिव न्याय हैं, सचिवालय में बैठते हैं, बोले आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी फाइल यहां से मंगवाऊं? मैंने कहा साहब आप नहीं मंगवाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया। हम कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करने जा रहे, ना मेरे पास आएगी तो देखेंगे, साहब कोई सुनने वाला नहीं। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी पूरा घटनाक्रम लिखा तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पीएमओ की मोहर लगती है, एसएलपी दाखिल करने के लिए आर्डर कुछ नहीं था, नहीं पीएमओ की मोहर लगी है उस चिट्ठी पे, वे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एसएलपी दाखिल करने के लिए प्रमुख सचिव न्याय को ना भेज कर उसे लखीमपुर के थाने में भेज दिया। अब बताइए जब सब मुख्यमंत्री जी को हमने भेजी तो उसकी भी कोई आर्डर नहीं, प्रमुख सचिव न्याय ने कहा कि आपके एप्लीकेशन आई होंगी तो अनुभाग में पड़ी है। अब मैं सूचना के अधिकार से उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से, इसका मतलब अगले 20 साल तक और मुकदमा लड़ने की तैयारी लोगों ने आपके लिए कर दी, भाई अगले मटेरियल है 20 साल तक लड़िए मुकदमा। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं महेंद्र दयाल साहब के पास जाऊंगा, हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, न्यायवेत्ता हैं। दयाल साहब, आप देख रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो बेटियों का मामला हो और आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह हो या राजीव गुप्ता जैसे एक आम इंसान जिनके भाई का मर्डर हुआ और उसमें अगर आरोपी गृह राज्य मंत्री टेनी हैं या किसानों को जिसने कुचल दिया उसमें चाहे टेनी का बेटा हो, अब देखिए न्याय कितना मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है अब तो असंभव हो गया राजीव गुप्ता का सुन के, मुझे लग रहा है कि भाई अब इनको न्याय की आस छोड़ देनी चाहिए। महेंद्र दयाल जी अनम्यूट करिए। आपको हम सुन नहीं पा रहे, कृपया चमक रहा। बोलो
जो वहीं से है। बोलिए 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 बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। म्यूट हो रहे हैं बार बार, आप अनम्यूट करिए कृपया, अभी आपकी आवाज आई थी। चलिए मैं इस बीच, जबर सिंह हमारे साथ पहलवान जुड़ गए हैं, आप कुश्ती ट्रेनर भी हैं, मैं उनको ले लेता हूं। जबर सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जबर सिंह जी स्वागत है आपका। पहलवानों के मसले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को लेकर आप लोग क्या संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण पर माकूल कार्रवाई हुई है क्या? देखो ऐसा है, जो है ये जो है सब इन्होंने पहलवानों ने जो है केवल नाटक किया है, इसमें जो है ये इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो है मैंने भी जो है इंडिया कैंप भी लिए हुए हैं और हर एक कैंप में जो है मेरी लड़कियां भी रहती है, जो मेरे से कोई बात छुपाती नहीं। हमारे सामने कभी कोई तरह की कोई बात आई नहीं कभी भी। तो दिल्ली पुलिस झूठी है क्या? हाँ जी, ये सब झूठी है। दिल्ली पुलिस भी झूठी है, पहलवान भी झूठे हैं? नहीं नहीं, मैं भाई पुलिस को तो झूठी नहीं बना रहा, लेकिन जो है पुलिस ने वही काम किया है। पुलिस ने जो पहलवानों ने आरोप लगाया वो चार्जशीट में दिया है, या तो पुलिस झूठी गैर कानूनी काम कर रही, ब्रजभूषण शरण को फंसा रही है पुलिस? देखो ये तो मैं मानता, थोड़ा सा उनका व्यवहार तो जो है कड़ा जरूर है जो ब्रजभूषण का, लेकिन जो ये आरोप लगा ये गलत है पहलवानों ने। अच्छा, आपको लगता है पुलिस झूठे आरोप, झूठे चार्जशीट लगाती है पुलिस, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए ऐसा है कि एक से मान लिया 60 साल का या 70 साल का आदमी, और जो है पहलवान लड़कियों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, यदि वो उनके साथ कोई जबरदस्ती करे तो 36 बार सिर पर से गिर देंगे ठाक है। मनोज यादव उंगली उठा रहे हैं, मनोज यादव रिएक्ट करिए इस पे। वैसे ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे ये महसूस होता है चौहान साहब कि खुद न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए इंसान को, और जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि हमें आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा न्यायपालिका के पास अगर केस गया है, पुलिस में दर्ज हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस देश के तमाम सारे जज हैं, न्यायपालिकाएं हैं, वो क्या करने बैठ के लिए बैठी हैं? सरकार उन पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, उसका निर्णय न्यायपालिका को करना चाहिए। हम बैठ के अगर इतने गंभीर आरोप को अगर हम ये कह दें कि नहीं ये सब लड़कियां गलत आरोप लगा रही हैं, तो भाई ये तो आप भगवान हो, आपको जानकारी है, आप सब कुछ देख रहे हो। ऐसा अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप प्रस्तुत कर दो, और नहीं है तो फिर शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये अपराध को बढ़ावा देने बहुत बहुत गंभीर आरोप है, बड़ा बड़ा गंभीर आरोप है। महिला ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के तमाम कानून है कि भाई पीड़िता अगर कहती है तो उसको माना जाता है, कि लगभग ये मान लिया जाता है। मैं महेंद्र दयाल जी के पास जाऊंगा। दयाल साहब, कानून क्या कहता है? हाँ जी अभिषेक जी बताइए, क्या कह रहे हैं? कानून क्या कहता है? ये कह रहे हैं इस मामले में, ब्रजभूषण शरण के मामले में अभी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई कुछ होगी। चार्जशीट में वो सारे आरोप जो पिछले दिनों ये कहा जा रहा था, पुलिस ही कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी जो हमारे साथ पहलवान जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन या तो चार्जशीट झूठी है, पहलवान झूठे हैं, और या फिर कार्रवाई का जो मांग है वो झूठी है। नहीं देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका निर्णय तो जब मुकदमे फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तभी हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद अपनी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है, और न्यायालय ने संज्ञान लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को तलब भी किया है न्यायालय में, और वो तलब होकर के अपनी बात कहेंगे। तो मैं देखिए इस मामले के जो राजनीतिक पक्ष है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है मैं समझता हूं कि उस पर सबको विश्वास रखना चाहिए, और न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। बस ये है कि जो जैसे कि अभी एक पैनलिस्ट है उन्होंने ये कहा कि साहब पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया, जबकि सबसे गंभीर अपराध वही था। तो देखिए पॉक्सो एक्ट तब लगता है जबकि पीड़िता जो है वो नाबालिग होती है,
जो पहलवानों ने शिकायत की थी उसमें एक एक महिला पहलवान ऐसी थी जो नाबालिग थी और बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। उसके शिकायत वापस लेने के बाद पॉक्सो एक्ट हट गया। अब जो जो बाकी जो छह पहलवान थे उनके बयान पुलिस ने दर्ज किए, वहां के जो कोच थे, रेफरी थे, वहां पे WFI में काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनके सबके बयान लिए, और उनके बयान लेने के बाद पुलिस को जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर उन्होंने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र को अगर हम देखें तो मुख्यतः चार धाराओं में आरोप पत्र आया है। एक तो धारा 506 है जो इसके लिए होती है कि अगर किसी ने किस जान से मारने की धमकी दी हो, इसमें अधिकतम 2 वर्ष की दंड होता है। इसके अलावा धारा 354 का आरोप है जो छेड़खानी से संबंधित है, इसमें 1 से लेकर 5 वर्ष तक के दंड का प्राविधान है। 354A है यौन उत्पीड़न का, इसमें भी 3 वर्ष तक के दंड का प्राविधान है। 354D है जो केवल ये अपराध है कि आप किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हों, इसमें भी अधिक से अधिक 3 वर्ष के दंड का प्राविधान है। इन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जैसा एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर इसमें कोई सामान्य आदमी होता, मनोज यादव होते, दुर्गेन चौहान होते, नवेश सिको होते, यहाँ तक कि आप ही होते, भले ही आप पूर्व जज हैं, जस्टिस हैं आप जी, लेकिन भले ही आप होते तो क्या इस तरीके से होता कि क्या आपको बिना गिरफ्तार किए हुए, आपसे बिना पूछताछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए बाकायदे बड़े प्रेम से चार्जशीट लग जाती, फिर कोर्ट आपको तलब करता कि आइए आप अपनी सफाई दीजिए, क्या ऐसा होता है सामान्य मामलों में ऐसा जज साहब? जी देखिए देखिए ऐसा है, गिरफ्तार करना जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं उनमें तो पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन जो बहुत गंभीर आरोप नहीं है, ये गंभीर मामला नहीं है, ये छेड़छाड़, निर्भया और दुनिया भर का जो देश भर में टंटा खड़ा किया था इन्हीं लोगों ने, वो ये गंभीर मामला नहीं कि किसी का यौन उत्पीड़न करो, यौन शोषण करो, इससे ज्यादा क्या रेप कर डाले तभी गंभीर मामला है क्या? जैसा देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि जो आरोप लगाए हैं पुलिस ने उसमें अधिक से अधिक 3 वर्ष या 2 वर्ष तक की दंड का प्रावधान है, तो दंड के मात्रा को देखते हुए हम ये कहेंगे कि यह गंभीर अपराध नहीं है। गंभीर अपराध होता है हत्या 7 साल से ऊपर वाला, जी 7 साल से ऊपर वाले जिनमें सजा का प्रावधान है उनको हम गंभीर अपराध मानते हैं और उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर 7 वर्ष से कम दंड के प्रावधान वाला अपराध है तो उसमें यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस हर एक छोटा सा और जवाब दे दीजिए। राजीव गुप्ता का है, वो इतने दिनों से अपने भाई की हत्यारे का पता कर रहे हैं, कोर्ट के पास उनका मामला है, आज तक पता नहीं चल पाया उनके भाई की हत्या किसने की। राजीव गुप्ता को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल न्याय हुआ ही नहीं, उनका तो विश्वास उठ रहा है। आप कह रहे हैं विश्वास रखिए, वो कह रहे हैं हमारा विश्वास ही नहीं रहा। मैं अभी उनको सुन रहा था। मैं आप अभिषेक जी आपसे यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय से जब कोई निर्णय होता है और जिसके विरुद्ध निर्णय होता है उसके लिए ये कहना बड़ा आसान होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन जज के लिए या न्यायालय के लिए जो फैसला करना होता है वो हमारे सामने जो फाइल में जो हमारे साक्ष्य है उसी के आधार पर हम फैसला करते हैं, जो फाइल के बाहर की चीज है उसको हम संज्ञान में नहीं ले सकते। राजीव गुप्ता कुछ बताना चाह रहे हैं, एक मिनट उनको सुन लीजिए। राजीव गुप्ता बोलिए। आदरणीय जज साहब, मैं भी इस मुकदमा LLB तो कंप्लीट नहीं किया, मीडियम क्लास का इंसान था, व्यापार शुरू करना पड़ा, लेकिन RP सिंह जिला जज लखीमपुर ने 29 मार्च 2004 को जब मुकदमा ये बरी किया तो पेज नंबर 34 पे उस फैसले में लिखा है, संपादक जी को मैं भेज चुका हूँ, मैं फिर भेज देता हूँ, कि जो चश्मदीद गवाह संजीव और विनोद गुप्ता थे, संजीव रियल ब्रदर थे प्रभात गुप्ता के, मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात बोल रहा हूं जो आदेश फैसले में लिखा है, विनोद गुप्ता को टेनी के भाई विजय मिश्रा ने धमकाया, पेज नंबर 34 पे लिखा है, और ये कहा कि तुम्हें गवाही बदलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है समय आने पर हम बदल देंगे। उसके बावजूद ये बात अगर आप जज हैं, अगर आप जस्टिस के समय लिख रहे हैं तो जिला जज ने लिखने के बाद लास्ट में बरी क्यों कर दिया और हाई कोर्ट ने जब इस लाइन को हटा ही दिया जबकि ऑन रिकॉर्ड है। रमेश सिन्हा चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ ने इस कोर्ट नंबर 1 में ये ऑर्डर में लिखा
कि राजीव गुप्ता कानूनी वारिसान बने और रिटर्न आर्गुमेंट जो मेरे सामने सबमिट किया है वे नई बेंच में सबमिट करें। रिटर्न आर्गुमेंट जजों की जुडिशरी की फांस थी, इसलिए उन्होंने लिया नहीं। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट होता है तो कर लें, मेरे भाई तो मार ही दिया। और दूसरे जज साहब ने टेकन रिकॉर्ड नहीं किया। जैसा प्लीज बात सुन लीजिएगा पूरी। 1997 में टेनी मिश्रा स्मगलिंग के आरोप में, तस्करी के आरोप में जो जीडी पे दर्ज है, थाने की जीडी पे दर्ज है, जीडी से हटा दिया गया, जीडी कागज हटा दिया गया, हाईकोर्ट में दस्तावेज है मेरे पास। राजीव भाई, मैं पर्याप्त साक्ष्य आपने दे दिए, मैं जज साहब का एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा फिर, चूंकि वक्त मेरे पास। बोलिए। जब 1997 में टेनी के ऊपर गैंग लीडर की हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई, जो 7 लोग नामजद थे, 3 साल के बाद जो सन 2000 में हत्या होती है उसमें वही 7 लोगों में से जो टेनी का गैंग था, 4 लोग नामजद हुए। संपादक जी बताइए, ये बात हमने ऑन रिकॉर्ड कही, लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। आखिर जज साहब हम सीना कैसे फाड़ दें? हम तो डॉक्यूमेंट जो जज साहब के साथ में है उन्हीं को दिखा रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र दयाल जी, आप जरा कानून की रोशनी इसमें डालिए। अब देखिए, ऐसा है कि ये बताते हैं कि हमको सेशन जज के यहाँ से न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट जाने में कुछ अपनी ये अस्पष्टता व्यक्त कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, स्टेट अपील भी जानी चाहिए, स्टेट अपील डिसमिस हुई है, सरकार की जिम्मेदारी है स्टेट अपील दाखिल करना। विपक्ष का एमएलए एमपी होगा तो स्टेट अपील दाखिल हो जाएगी, उनका गृह राज्य मंत्री तो स्टेट अपील नहीं दाखिल होगी, ये कैसा न्याय? कि न्याय की बात मत करिए, न्याय तो तराजू का है, सबके लिए बराबर है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, न्याय सबके लिए बराबर है और सबके लिए बराबर होना भी चाहिए। इतने बड़े मामले पर बात नहीं हो पाएगी, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर एकदम झटके में न्याय हो गया। नहीं, जरा जस्टिस दयाल को बोलने दीजिए। जस्टिस दयाल, बस एक 10 सेकंड में आप कंप्लीट करिए, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। जी देखिए, राजीव गुप्ता जी के भाई का ही हत्या हुई है तो वाकई बहुत अफसोस वाली बात है, लेकिन ये कि उसके पूरे फैक्ट्स हमको मालूम नहीं है कि जजमेंट में क्या हुआ, क्या क्या साक्ष्य दाखिल किए गए और क्या जजमेंट हुआ, फिर हाईकोर्ट में क्या हुआ। जैसा ये कह रहे हैं कि मेरे रिटर्न आर्गुमेंट रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए, तो रिटर्न आर्गुमेंट मैं भी न्यायालय में मैंने बहुत दिन काम किया है, तो ये रिटर्न आर्गुमेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता, ये केवल न्यायाधीश के पढ़ने के लिए होता है और उसको हम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेनू अग्रवाल की डबल बेंच ने 21 दिसंबर 2022 को लिखित आदेश जारी किया। राजीव भाई, इस पर एक दिन अलग से बहस कर लेंगे, दयाल साहब को ही बुलाएंगे। मैं मनोज यादव का एक कमेंट ले लेता हूं, जो कार्यक्रम खत्म करूंगा मैं, जो मेरे पास बस एक 1.5 मिनट का वक्त बचा है। मनोज यादव, ये इस तरह की स्थितियां हैं। आज मैं दोनों, राजीव गुप्ता को हमने इसलिए बुलाया कि ब्रजभूषण शरण का ये प्रकरण है, अब उसमें लोगों को ऐसा लग रहा है प्रत्यक्ष तौर पर कार्रवाई हो रही, नवेद भाई कह रहे हैं राजनीतिक कारण है, आप भी उसको कह रहे हो, और एक प्रकरण और है उत्तर प्रदेश का ही, राजीव गुप्ता का प्रकरण है। देखिए, मैं चौहान साहब एक बात कह दूंगा और वो स्पष्ट शायद आपके दर्शकों को भी समझ में आ जाए। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक दायरे में बात कर सकता हूं। जज साहब रिटायर हो गए तो क्या हुआ, उनका भी एक दायरा है, और राजीव जी उनके भाई की हत्या हुई, हत्या करने वाला आज गृह राज्य मंत्री है, उनकी भी एक दायरा है, उस दायरे से ज्यादा वो बोल भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। लेकिन दायरों को किसने तोड़ दिया, वो मौजूदा सरकार ऐसी बैठी है जिसने सारे दायरों को तोड़ दिया। इतने दिन तक फैसला रिजर्व रखा गया, मुझे याद है जिस दिन फैसला आना था अगले दिन हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का, उस दिन मैं और राजीव जी और आप तीनों लोग थे, और मुझे बड़ा विश्वास था कि न्याय मिलेगा, लेकिन जस्ट उल्टा न्याय पड़ा गया इतने दिन रिजर्व रखने के बाद। मेरी भी अपनी एक मजबूरियां है कि मैं न्यायपालिका पे एक दायरे में ही आवाज उठा सकता हूं, या मैं उनसे जो आरोप प्रत्यारोप की बात है वो भी एक दायरे में रहकर ही कर सकता हूं, कोई भी हो, चूंकि सबको संवैधानिक रूप से बांधा गया है। लेकिन क्या, चाहे वो पहलवान हो अथवा राजीव जी के भाई हो, क्या इनके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं इस पे किस तरीके से इनको न्याय दिया जाएगा, ये कौन विचार करेगा, सरकार, न्यायपालिका, मीडिया या कोई और?
कौन लोग करेंगे? समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है नैतिकता के आधार पे। आज आपकी सत्ता है तो आप इस तरह बचा लोगे किसी को, कल नहीं रहेगी तो कौन बचाएगा? कितनी फाइलें फाड़ी जाएंगी? क्या हत्या को ही झुटला दिया जाएगा या उन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, किस तरह यौन शोषण होता है उसके बारे में क्या कोई परिभाषा घड़ी जाएगी? क्या कोई नई परिभाषा घड़ी जाएगी? क्या मैं कह रहा हूं कि गुड टच और बैड टच तक तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने घर में। मेरी 7 साल की बेटी है, उसकी मदर उसको गुड टच और बैड टच तक तो समझाती है। तो क्या उनको फीलिंग्स नहीं आती है? बच्चों को, बड़े को, वयस्क को नहीं आती है कि कौन उनको गुड टच कर रहा है, कौन बैड टच कर रहा है? और ये बैठ के टीवी चैनल पे जिस व्यक्ति ने ये कह दिया, वो सब लड़कियां झूठा आरोप लगा रही है, तो मैं अपील करता हूं कि सरकार को उन सारी लड़कियों को जेल भेज देना चाहिए और उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए अगर वो नौकरी कर रही है, भारत सरकार की नौकरी कर रही है। और अगर सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है उनको जेल भेजने की और सस्पेंड करने की, तो फिर कोई ना कोई तो दोषी है, कोई ना कोई तो दोषी है। ठीक बात है मनोज भाई। मनोज भाई, फाइनल कमेंट के लिए मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा, अब कार्यक्रम में बिल्कुल वक्त नहीं। नवेद भाई, मात्र 10 सेकंड में, माफी के साथ में। आपकी डिबेट बहुत गंभीरता की तरफ बढ़ गई है और एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है, बस मैं वो 5-7 सेकंड में कह दूंगा कि कानून न्यायालय सत्ता से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे कि कानून को कोई सत्ता प्रभावित कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद भाई। मनोज यादव आपका शुक्रिया, जज साहब महेंद्र दयाल साहब आपका शुक्रिया, राजीव गुप्ता आपका शुक्रिया, सुखविंदर तोमर नहीं आया, जबर सिंह आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत सारे मेहमानों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं।